Hello, everybody. I'm Krishna Abhishek, and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. पहले तो रिंकू भाऊजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों? नहीं भैया क्या कहे थे याद है आपको? क्या? दो पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म? इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हाशमी कहते हैं। लोग इन दोनों को देख के होय कहते हैं। पैसे हम बता दें आपको लारे दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। ओ, ओ, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, हमें पता है। हाँ। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता जी। मैडम जी तेरा सिखा दो मोटी को थोड़ा। आप थोड़ा सा हमको सिखाए दे। हाँ, हाँ, ऐसे जीतते हैं। हाँ। जैसे ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और कोई कहता है कि देखिए जीतने वाले हैं जी। तो लंबी बहुत है। मैं तो लंबी हूँ जी। हाँ। हाँ। आपने हील्स पहन रखे? नहीं नहीं, नहीं मैंने तो कुछ भी ऐसे, देखो इसलिए थोड़ा सा नीचे कर। कपिल शर्मा हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या कर रही तू बदतमीजो? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के डेढ़ फीट बाल नहीं होते तेरे जरा। बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द मिस यूनिवर्स अवार्ड्स गो टू लारा दत्ता। एंड द अवार्ड गोस टू संतोष। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती है। अरे इनका गाना सुनकर ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो के होता, पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए, आपको क्या है? एक बार गाना सुना दीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल अपना। ए मोटी इधर आ जा। आ रहा है बस। आहा हा। अभी सुनिएगा। ए सही वाली साइड दिखाओ कैमरा पे, क्या करके बैठ गई? अरे तो कैसे बजाएंगे? इसकी सही वाली साइड कोई भी नहीं है। चम्मच पकड़ लेती। हाँ तो पकड़े हैं, अब खा भी लें क्या? अरे आप ऐसे लड़की रही हैं, एक दूसरे का खून क्यों नहीं कर देती? भीगे होंठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, लगे सा बरसा, हमको तंदरा, वाह वाह, कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। पौने चार बजे सुबह कारखाना निकल जाते हैं ना इसके भैया। अच्छा कंटिन्यू कंटिन्यू। सकीरा सकीरा।
लेकिन रिंकू भौजी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इनके फिल्म में गाना है, जोरदार गाना है एकदम। कौन सा? अरे कमाल का गाना है, वो अगर बज जाए तो देखिए कैसे हंगामा हो जाएगा। डीजे वाले बाबू इसका गाना बजा दे। अरे इनकी फिल्म का है। लेकिन रिंकू भौजी ये डांस कर करके पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जिस काम के लिए आए थे वो पूरा कर ले। अरे हाँ, हम थोड़ी देर में आते। अजहर साहब आप यहीं रहिएगा, आपसे बात करना है, आपसे भी करना है। आप प्लीज अजहर की लाइफ पे फिल्म बन रही है, उनसे इंस्पायर्ड फिल्म बन रही है, तो लोगों को ऑलरेडी उनका पता है, उनके मैनरिज्म पता है, उनकी चाल ढाल कैसी उनको पता है। आपके लिए वाकई में कितना मुश्किल रहा होगा मैं ये फील नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसको हमेशा लड़कियों के पीछे भागने की आदत है, बॉल के पीछे भाग रहा है, तो इमरान भाई कितना मुश्किल था आपके लिए? इसमें अजहर भाई जिस तरह फील्ड पे चल के आते थे, उनका एक स्वैगर था, उनका एक करिश्मा था, स्टाइल था, एक लेजी चार्म था फील्ड पे, और उनके जो क्रिकेट के शॉट्स थे वो बहुत बहुत मुश्किल थे उसको ढालना कैरेक्टर में, क्योंकि मैं खुद को एक बहुत ही एक बिलो एवरेज गली क्रिकेटर मानता हूँ। हम भी मानते, तभी तो आप फिल्मों में। इनकी जो लेग ग्लांस शॉट है आप तो जानते ही हैं, लेग ग्लांस और फ्लिक शॉट, ये आखिर में मुझे कहीं वो मास्टर किया मैंने, जब हमने लंदन में शूटिंग की थी एच बैस्टन और दाबेश्वर में, तो बहुत मुश्किल। अगर इनकी कलाइयाँ रबर जैसी हैं तो मेरी सीमेंट जैसी थी। मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसमें वो मेहनत रंग भी ला रही है, आपका फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही बाकमाल लग रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। अजहर जी आप यहीं बैठे हैं, हम आपसे वो क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, तो जरा सिखा दो, आ जाओ। कहाँ है बल्ला किधर है? ऐसे बल्ला तो अब बॉटल से सिखाएं? ए प्रोडक्शन। चलो पकड़े बल्ला, पकड़े बल्ला, ये कहाँ ये तो हटाइए पहले, कहीं शर्मा रहे क्यों ऐसा? ये हेलमेट पहना है, हेलमेट है, बॉल आएगा थोपड़ा निकल जाएगा हेलमेट के, थोड़ा सा उठा दीजिए। हाँ ये सब दूसरे लोग आपको हम ब्यूटीफुल लगा इसलिए देखना चाहते हैं। हाँ सही बात है, हाँ ये बात है। तो अभी पकड़िए आप उसको बल्ले को बराबर, चलो थोड़ा सा पैर तो मुड़ना पड़ेगा ना, अगर स्टिफ ठहर गया तो कैसे हो। हिलाना पड़ेगा, क्या चल रहा है? हम जाके भैया को बताएं यहाँ पर क्या मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ आप ऐसे रंगीन हुए जा रही हैं। हम देखे क्या देखे? इन आंखों से देखे क्या देखे? अरे नहीं पागल, हम इनसे क्रिकेट सीख रहे थे ताकि तुम्हारे भैया को सिखा सके। अरे तो ठीक है, आप इनसे सीख लीजिए, हम इमरान हाशमी से सीख लेते हैं। रेडी? हाँ हाँ, देखिए आप उसके लिए मेरी फिल्में देख लीजिए। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, आपसे हाथ मिला लेते हैं, हाथ मिला लीजिए, हमसे बस हाथ मिलाने आए आपका। स्टॉप इट, स्टॉप, ये लोग दोनों मेरा मोहन लेटरिंग सेंटर इकलौते मालिक, ये लोग दोनों उधर आता है और दो रुपया बचाने के लिए हाथ नहीं देता है। हाथ नहीं मिलाने का। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कपिल साहब सामान रखा है, ऐसा कैसे कह रहे हो? हम हाथ नहीं धोते, घर से धो के आते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, मोहन लेटरिंग सेंटर, चल चल मोहन लेटरिंग सेंटर। थैंक यू सर, थैंक यू, हम चलते हैं। अजहर भाई ना बड़े तेज हैं, इन्होंने आइडिया से देख लिया था कि देखो लंबा सोफा एक ही है, सिंगल सिंगल दो हैं, तो आएंगे इसलिए मुझे था बैठेगा, हेल्प आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा आपको ऐसे किया ना थोड़ा सा? हाँ ऐसा किया था। नहीं, ऐसे नहीं किया, जाके रॉकिंग जगह बैठना, ऐसे नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी जो हैं वो अजहर भाई का किरदार निभा रहे हैं। अजहर भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको जब पता चला कि आपका किरदार इमरान निभा रहे हैं तो आपको डर नहीं लगा कि अपनी तरफ से 3-4 चुम्मियां फिल्म में डाल देंगे ये? इसमें डर लगने की कोई बात ही नहीं है सर, उनका वो रेपुटेशन ही तो ऐसा, तो डर नहीं, वो तो होना ही है सर, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर
आप लोग कोई एंजॉय करेंगे नहीं? लेकिन नहीं, मजाक अलग, बट मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान भाई ने बहुत बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने, मैंने जो भी बताया क्रिकेट में खेलने के लिए, बहुत अच्छा उसको अडेप्ट किया और मैं समझता हूँ कि अब जब पिक्चर देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि अजहरुद्दीन ही बैटिंग करें। क्या बात है। अच्छा प्राची, मेरे ख्याल से इमरान के साथ आपकी ये सेकंड फिल्म है जी। तो पहली में ये गैंगस्टर थे जी। इसमें ये क्रिकेटर हैं, तो आपको इन दोनों करेक्टर्स में फर्क साफ नजर आ रहा है कि किरदार कैसा भी हो ये लगे रहते हैं? इनकी एज एक जो कंसिस्टेंसी है। उस फिल्म में मुझे मौका नहीं मिला, उस फिल्म में मैं 0 रन बनाए थे मैंने, इसमें 3-4 रन तो बनाए ही हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लेयर अच्छा हो तो मौका मिले तो वो बाउंड्री कराई देता है जी। प्राची के विचार जानना चाहेंगे इस मौके पे। इस बार ये फाइनली लकी हो गए। सो इस बार ये लकी रहे हैं जी। तो आप लकी मानते हैं अपने आप को के आप क्या, आपको क्या लगता है? ये नरगिस के साथ लकी हुए हैं। तो नरगिस किन के साथ लकी हो रही है मतलब? अच्छा मतलब आपस में लकी हो रहे हैं। हाँ, बेसिकली। चलिए बहुत अच्छी, इतना सारा लक फैक्टर है तो फिल्म को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें भी अजहर भाई बहुत इंतजार है कि जब आपकी ये फिल्म आए तो हम देखने जाएं सब, और बहुत बहुत मुबारक आपको। और सबको मेरा नमस्ते जी। बड़े सही टाइम पे आया तू यार, जब भाग के फटाफट 4 कप चाय ले गया जा। आप थोड़ा सा शटअप करेंगे? आपको तमीज नहीं प्रोड्यूसर के साथ कैसे बात की जाती है? कौन सा प्रोड्यूसर पे, कौन सी फिल्म बना रहा तू? मैं ब्रेन लारा पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ब्रेन लारा साहब आ गए? ब्रेन लारा साहब आ गए, लारा दत्ता आई है यहाँ पे। लारा दत्ता ही? ओहो सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इनका हम लारा लारा यूज कर लेते हैं। ब्रेन मेरे पास वैसे बड़ा है। गंदा। तो ब्रेन लारा फिल्म बनाएगा, तेरे को वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा, तेरे पास पैसे हैं इतने? चलो ठीक है, फिर मैं क्रिस गेल साहब पे फिल्म बना लेता हूँ। अजहर साहब उसके पास भी मत जाना, तेरा चौके जैसा मुंह मारेगा बहुत तेरे को वो। हेलो जी, वेरी नाइस, इतने सारे लोग आए हुए हैं, इमरान हाशमी भी आए हुए हैं। बेटी सरला बाहर नहीं आना। ओहो डॉक्टर साहब, ये फिल्मों में हाइपर होते हैं, वैसे भी बड़े शरीफ हैं ये। मेरे को पता, ये तो शरीफ है, मेरी बेटी पे मुझे भरोसा नहीं है ना। विदू साहब, वो तो कप्पू के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाती है, ये तो फिर भी इमरान हाशमी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ईसीजी करना चाहूंगा पहले। ईसीजी? ईसीजी करिए। बोलिए ई ई सी सी। बोलो जी। जी हो गया आपका, ठीक है। आज थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं A to Z सारा चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए, इमरान साहब आइए प्लीज बैठिए। कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। तो ये क्या, इनको क्यों बिठा रहे इधर? बैठो जी बैठो, कंफर्टेबल? ये क्या करके रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ, स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो एक मिनट, आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज। पल्स दीजिए प्लीज। चेक कर सकते हैं? वेरी नाइस। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर उनका तो ठीक है, ठीक लग रही हो? उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, आज तक छोड़िए उनको, हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं काहे का डॉक्टर है ये। हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा, मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है? ये आपका स्टोर, ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन, मैं जरा एनेस्थीसिया लेता हूं।
भाई इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई, इसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता जी। इसको कुछ सिखा दो यार अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे, थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। हम प्राची एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। चीनी थोड़ी कम कर दो, आपके होंठों से लगकर खुद मीठी हो जाएगी। ये देख ऐसे बेचते जाएं। आइए यहाँ पे आप, ऐसे बेचने इनके साथ ट्राई कीजिए अभी। आपकी नंबर। अच्छा अच्छा आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम, एक चाय देना भैया। ए मैडम, आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, एक और ट्राई जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.